मुंबई में 4000 लोग एचआईवी संक्रमित हैं। ये हम नहीं बल्कि महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक मुंबई में 4000 लोग हैं जो कि एचआईवी संक्रमित हैं। और एक और चौंकाने वाली बात अगर मैं कहूं तो इसमें से 6 से 7% लोग जो हैं वो 17 से 25 वर्षीय के बीच में हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो ये वास्तव में मुंबई में एक बड़ी संख्या है जहां 4000 मरीज हैं वो एचआईवी संक्रमित हैं। और देखिए एचआईवी एक गंभीर समस्या है जिसके कारण हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है और इस बीमारी की अब तक कोई भी सटीक दवा या फिर वैक्सीन नहीं बन पाई है जिससे इसकी रोकथाम की जा सके। ये एक प्रकार का संक्रमण है जिसमें शरीर अपने ही इम्यून सिस्टम पर अटैक करने लग जाता है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जारी किए डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में 2,36,000 ऐसे लोग हैं जो कि एचआईवी से संक्रमित हैं। और मुंबई की संख्या आप सुनकर वैसे ही चौंक गए होंगे क्योंकि मुंबई में 4000 लोग हैं जो कि एचआईवी से संक्रमित हैं और ये वास्तव में एक बड़ी संख्या है। और ये हम नहीं बल्कि महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले एक साल में 14,347 लोगों के एचआईवी से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। और इस साल अगस्त में 1,432 नए मरीजों की पुष्टि की गई है जिससे पता चलता है कि हर दिन 12 लोग राज्य में इस घातक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। और वही बात करें अगर पुणे की तो पुणे में पिछले 6 महीनों में एचआईवी के 10,525 नए मामलों की पुष्टि की गई है जिसमें 1,249 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये काफी खतरनाक है। और महाराष्ट्र में एक साल मिलने वाले 14,347 मामलों में 5 से 6% संख्या केवल 17 से 25 वर्ष के। आप समझ सकते हैं कि 17 से 25 वर्ष जो कि युवा है, युवाओं की संख्या ये बताई जा रही है कि जिससे पता चलता है कि जो बीमारी है युवाओं में सबसे तेजी से फैल रही है। हालांकि ऐसे में सरकार द्वारा कैंपेन और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है जिससे समस्या की रोकथाम की जा सके। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस बीमारी से लड़ने की दवा और वैक्सीन को बनाने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं।